एक समाज को, पूरे समाज को क्या चोर कह सकता है? क्या ओबीसी समाज के लोगों को, क्या छोटे समाज के लोगों को अपने सरनेम के कारण अपमानित होना पड़ेगा? क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को छोटे समाजों को अपमान करके और अपने अहंकार में आकर के अगर वो माफी भी नहीं मांगते तो क्या इस अहंकार को ही वो अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं? क्या देश में बोलने की स्वतंत्रता यही है कि आप किसी भी समाज को और खासकर छोटे समाज और ओबीसी समाज को अपमानित करो? और आप ये भी मानिए कि हम राजनीति को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं जब देश आज भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र में गिना जा रहा है और हम समाजों को तो अपमानित कर ही रहे हैं, भारत को भी अपमानित लंदन में जाकर के कर रहे हैं। और अब जब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई निर्णय हुआ है, 4 वर्ष के न्यायिक पूरी प्रावधानों को, पूरी प्रक्रिया को पालन करके, पूरा उनको सारा अवसर दे करके, एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यवाही हुई है उचित दिशा में, उसी दिशा में कार्यवाही हुई है।